गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज ड्राइंग में हम जो क्राफ्ट करने जा रहे हैं वो है एक स्पाइडर का वेब। हम करेंगे वूल पेस्टिंग। क्या करेंगे हम? वूल पेस्टिंग। ये जो आपको डॉटेड लाइन कर्व लाइन दिखाई दे रही है, इसमें हमको व्हाइट कलर का वूल पेस्ट करना है और इससे बन जाएगा ये स्पाइडर का वेब। ये आपको स्पाइडर दिखाई दे रहा है, बहुत ही स्कैरी है ना, इसका हमको वेब बनाना है। तो हमें क्या करना है, हमको चाहिए वूल और ग्लू। क्या क्या चाहिए? व्हाइट कलर की वूल चाहिए और एक ग्लू की बॉटल चाहिए। आप ट्यूब भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें क्या करना है, ये जो कर्व डॉटेड लाइन है इन पर हम वूल पेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर हम ग्लू लगाएंगे और उसी के ऊपर हम इसमें वूल को पेस्ट कर देंगे। तो ऐसे करके हम पूरे डॉटेड एरिया में पहले हम ग्लू को पेस्ट कर लेंगे और फिर इसके ऊपर वूल को पेस्ट करेंगे। ये तीन पार्ट्स में मैंने अभी ग्लू लगा दिया है फेविकॉल। अब हम इस पर लगाएंगे वूल। ओके, तो चलिए लगाते हैं। हमने ये वूल लिया अपना और फिर इसको पेस्ट करना शुरू कर दिया। बहुत ही पेशेंटली और बहुत ही सफाई के साथ इसको पेस्ट करेंगे हम, लाइक दिस। इसको यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर दिया एज यू कैन सी, और यहीं से इसको कर्व लेते हुए, आप चाहें तो कट भी कर सकते हैं, इसको कर्व लेते हुए आगे पेस्ट कर दिया। फिर से अगेन इसको हमने घुमाया यहीं से और इसको ऐसे पेस्ट करते गए। बस आसानी से हो जाएगा। नीचे आपको ग्लू लगाना है और ऊपर आपको उस पर वूल पेस्ट करनी है। ग्लू का एरिया खत्म, तो हम इस पर और ग्लू लगा देते हैं डॉटेड लाइन पर। इधर से ऐसे और फिर यहां पर, देन टू हियर। अब हम इतने एरिया में पहले ग्लू पेस्ट कर लेते हैं, सॉरी वूल पेस्ट कर लेते हैं। ग्लू तो हम अप्लाई कर चुके हैं, अब हम वूल को पेस्ट करेंगे। आप चाहें तो कट करके भी कर सकते हैं और चाहें तो इसको वन गो में भी लगा सकते हैं, जैसे मैं लगा रही हूँ। कट करके लगाएंगे तो आपको शायद प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इतने छोटे छोटे पीसेस काटने में दिक्कत होगी, कोई छोटा कट जाएगा कोई बड़ा। तो चलिए अब इसको पेस्ट करते हैं। ग्लू लगाने के बाद वूल अपने आप ही इस पर पेस्ट होती जाएगी, बस आपको इसके ऊपर रखकर इसको प्रेस करना है। ये देखिए कंप्लीट। इधर से अब हम रिमेनिंग एरिया में लगा देते हैं। इधर से किया मैंने, इसको इधर से लगा दिया एंड इधर ये लास्ट वाला। और अब हमें क्या पेस्ट करना है, वूल पेस्ट करनी है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट अगेन। जो आपको नीचे इसमें फेविकॉल दिखाई दे रहा है वो ड्राई होने पर इनविजिबल हो जाएगा। यू नो द मीनिंग ऑफ इनविजिबल ना? ओके, चलिए हम इसको पेस्ट कर देते हैं। जैसे हमने ये आउटर वाला वेब का एरिया पर फूल से वूल को पेस्ट किया है, उसी प्रकार हमको अंदर वाले एरिया पर भी पेस्ट करना है। बस थोड़ा पेशेंटली काम करना होगा, क्योंकि वूल जो है हमारा वो खराब भी हो सकता है। ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब हम इसको कट कर देते हैं। कट कर लिया हमने और इसको दोबारा से सही कर लेते हैं, क्योंकि कट करते में हमारा ये खराब हो गया। ये लीजिए, और जो रिमेनिंग हमारा जो फेविकॉल आपको दिखाई दे रहा है वो हट जाएगा। इसी प्रकार हमको अंदर वाले एरिया पर भी वूल को पेस्ट करना है। तो चलिए इस पर भी हम फेविकॉल लगा लेते हैं और फिर वूल को पेस्ट करेंगे। अब मैं पूरा फेविकॉल एक ही बार में लगा दे रही हूँ और फिर आसानी से इसको एक बार में वूल को पेस्ट कर देंगे।
देखिए सब जगह मैंने फेविकॉल या ग्लू को लगा दिया है और अब आप रिमेनिंग एरिया पर वूल को पेस्ट कर सकते हैं। अभी भी आपको ऐसा ही लग रहा होगा कि वूल पेस्टेड है, राइट? बट ये नहीं है, अभी केवल फेविकॉल लगा हुआ है। तो चलिए हम इस पर वूल पेस्ट करते हैं। ऊपर से ही स्टार्ट करते हैं ताकि नीचे तक आए तो ऊपर का एरिया सूख जाए और हमें बाकी एरियाज में वूल लगाने में प्रॉब्लम ना हो। ऐसे बस, अब आपको मेथड तो पता ही है, तो चलिए हम इस पर वूल पेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा स्पाइडर का वेब वूल के साथ कंप्लीट हो चुका है। दोनों ही सेक्शंस में मैंने ग्लू लगाकर वूल को पेस्ट कर दिया और ये बन गया स्पाइडर वेब। इजंट इट स्कैरी? जैसा स्पाइडर डरावना लग रहा है वैसा ही उसका वेब। तो ये आपको अपनी ड्राइंग बुक पर फिल करना है। व्हाइट वूल के साथ ही करिएगा क्योंकि स्पाइडर का जो वेब होता है वो व्हाइट वूल का व्हाइट ही होता है, आपने देखा है ना। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड डे।